हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि है करवा चौथ स्पेशल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोनर यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का रोज टोनर यूज़ कर रही हूँ। देन सेकंड हम यहाँ पर गुड वाइब्स का रोज ही सीरम अप्लाई करेंगे। अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, बिकॉज जितने अच्छे से हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे उतना ही स्मूथ हमारा बेस बनकर रेडी होगा। देन मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का फ्लॉलेस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए एंड बेस को स्मूथ बनाने के लिए। देन मैं यहाँ पर मेबलिन का फिट में फाउंडेशन शेड 115 अप्लाई कर रही हूँ। डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। देन मैं यहाँ ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मैंने नेक पर भी लगाया है। आप नेक पर अप्लाई करना बिल्कुल भी स्किप ना करना, वरना आपका फेस एंड नेक में डिफरेंस अलग से नज़र आएगा। देन मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आई ब्रिज ऑफ द नोज माउथ के अराउंड चिन एरिया। अच्छे से मैं इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करना है हमें अच्छे से। ब्लेंड करने के बाद मैं इसे सेट कर लूँगी लूज पाउडर से, ब्लू हेवन के लूज पाउडर से। अच्छे से जहाँ जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ वहाँ मैं सेट कर लूँगी। देन मैं यहाँ पर अपने ब्रॉस को फिल कर रही हूँ। ब्रॉस को फिल करने के लिए मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है, जिसमें ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। देन मैं यहाँ कंसीलर के अपने हेल्प से अपने आईब्रो को डिफाइन कर रही हूँ। देन कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं अपने आई को सेट कर लूँगी। देन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पिंक शेड, लाइट पिंक शेड अपना ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देन मैं यहाँ पर डार्क पिंक शेड अप्लाई करूँगी। अच्छे से अप्लाई करना है, ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। आप तब तक ब्लेंड करते रहिए जब तक आपको ना लगे कि आपका आई शेडो ब्लेंड हो चुका है। देन मैं यहाँ पर ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर वी पर। आउटर वी से ले जाते हुए मैं यहाँ पर इनर वी तक अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। देन मैं यहाँ पर कट क्रीज ड्रॉ कर लूँगी। आपको एकदम धीरे धीरे कट क्रीज ड्रॉ करना है। देन फिंगर की हेल्प से आपको ब्लेंड कर लेना है। देन कट क्रीज एरिया को हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद मैं यहाँ पर गोल्डन आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। देन आउटर वी पर मैं फिर से ब्लैक कलर को लेकर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि दोनों कलर आपस में मिक्स हो जाए। देन मैं सेम पिंक शेड को अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी। देन मैं यहाँ पर आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। हमें एकदम थिन विंग आईलाइनर ड्रॉ करना है, एकदम थिक ड्रॉ नहीं करना। देन मैं यहाँ पर मास्कारा अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पर फॉर्स लैशेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अच्छे से मास्कारा से हम अपने लैशेस को कोट कर लेंगे। देन मैं यहाँ पर लैक्मे का आइकॉनिक काजल अपने इनर वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। अच्छे से अप्लाई कर लेना है हमें। अप्लाई करने के बाद हम थोड़ा सा अपने अपर वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर लेंगे। देन मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पर, नोज़ पर, चिन एरिया पर। देन मैं ब्लू हेवन के आई शेडो पैलेट से ब्राउन शेड लेकर एज अ ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रॉन्जर नहीं है तो आप भी आई शेडो पैलेट से कोई भी ब्राउन शेड लेकर अपने कॉन्टोर कर सकते हैं। सेम इसी आई शेडो पैलेट से मैं गोल्डन शिमर शेड लेकर अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँगी एज ए हाईलाइटर। अच्छे से हमें अप्लाई कर लेना है अपने हाई पॉइंट्स पे। आप हाईलाइटर अप्लाई कर लीजिए। नाइट टाइम रहेगा करवा चौथ में, तो आप ज़्यादा हाईलाइटर अप्लाई करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं यहाँ अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी, इनर कॉर्नर को भी हम हाईलाइट कर लेंगे। देन मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगाकर अपने मेकअप को कंप्लीट करूँगी। देन मैं यहाँ पर डार्क मरून शेड अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। आपको अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई कर लेना है।
देन में है इयर रिंग, देन हमारा फाइनल मेकअप लुक कंप्लीट। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।